प्रिय भक्तों जय श्री राम आज हम सुनाएंगे गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण के संस्थापक श्री जय दयाल जी गोविंद गोविंदिका जी जिन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण की संस्थापना की थी और जिन्हें भगवान कृष्ण के, के प्रभु के साक्षात्कार हुए थे उन्हीं के अनुभव यानी कि उन्हीं की पुस्तक आत्मोद्धार के सरल उपाय से परमात्मा की प्राप्ति के लिए सार सार बातें हम आपको सुनवाने हैं। मनुष्य जन पा यदि परमात्मा को प्राप्त कर लिया जाए तो बहुत ही ठीक है नहीं तो बड़ी भारी हानि है श्रुतियाँ कहती हैं कि यदि इस मनुष्य शरीर में ही परम परमात्मा को जान लिया तब तो बहुत कुशल है और यदि इस शरीर के रहते रहते उसे जान नहीं पाया तो महान विनाश है यही सोचकर बुद्धिमान पुरुष प्राणी मात्र में परमा पर ब्रह्म परमात्मा को समझकर इस लोक से प्रयाण करके अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं मनुष्य जन्म की उन्नति और सफलता के लिए यहाँ कुछ साधनों प्रयोगी बातें बताई जाती हैं इनको पालन करने के लिए तत्परता से चेष्टा करने चाहिए श्री जय दयाल गोविंदिका जी कहते हैं मनुष्य के जीवन में तीन काल हैं साधन काल व्यवहार काल और शयन काल इन तीनों कालों को ही उच्च से उच्च साधन काल बना लेना चाहिए सोने के समय भगवान के नाम रूप गुण प्रभाव और लीला का श्रद्धा और प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से चिंतन करते हुए शहन करना चाहिए उससे स्वप्न भी अच्छा आता है और वह शयन काल भी साधन के रूप में परिणित हो जाता है व्यवहार काल में जो कुछ भी किया जाए उसे साधन का रूप दे देना चाहिए शास्त्र के विरुद्ध तथा प्रमाद और आलस में के व्यसन में एक क्षण भी नहीं बिताना चाहिए सारे प्राणियों को भगवान का स्वरूप या उनमें भगवान को व्यापक समझ करें या वे सब भगवान के ही हैं ऐसे भगवत भाव से उनकी निष्काम भावपूर्वक तत्परता से सेवा करनी चाहिए इस प्रकार के भाव से परि की हुई से, सबकी सेवा भगवान की सेवा है भगवान ने गीता में बतलाया कि जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे ये समस्त जगत व्याप्त है उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है अतः संपूर्ण चराचर प्राणियों के सहित यह समस्त संसार भगवान से ही उत्पन्न हुआ है और भगवान से ही व्याप्त है भगवान ही अपने योग माया से संसार के रूप में प्रकट है अतः ये संसार उनका ही स्वरूप है और इसमें जो कुछ हो रहा है वह उनकी ही लीला है इसलिए सबकी सेवा ही भगवान की सेवा ऐसा समझकर अपने शास्त्र भीत कर्तव्य कर्मों का सबके हित के उद्देश्य से निष्काम भावपूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए एवं संसार में जो कुछ भी हो रहा है उसको भगवान की लीला समझकर भगवान के प्रेम में मस्त रहना चाहिए इस संसार रूपी नाटशाला में भगवान हम लोगों को अपनी लीला के रूप में नाटक दिखा रहे हैं भगवान के इस अपमान में अभिनय में सम्मिलित होकर हमें इस नाट्यशाला के स्वामी के रुख के अनुसार अभिनय करना चाहिए श्री जय दयाल गोंदका जी कहते हैं नाटक करने वाले के दो भाव रहते हैं एक तो स्वांग का भाव और दूसरा वास्तविक भाव जैसे किसी मनुष्य को नाटक में एक राजा का स्वांग मिला और उसी मनुष्य के पिता को सिपाही का स्वांग मिला एक तीसरे व्यक्ति ने उस राजा से शिकायत की कि इस सिपाही ने चोरों को छोड़ दिया है तब राजा सिपाही को बुलाकर धमकाता है इस पर सिपाही कहता है हुजूर ये मेरी भूल हो गई और भविष्य में ऐसी भूल नहीं होगी इस पर राजा ने उसको क्षमा कर दिया विचार करना चाहिए ऊपर तो ऊपर से तो उस राजा बने हुए मनुष्य का वह भाव है कि मैं राजा हूँ और ये सिपाही है तथा उस अपने से उसे जैसा व्यवहार उसके साथ करना चाहता है चाहिए वैसा ही बर्ताव करता है और उसमें कमी नहीं आने देता पर भीतर से समझता है कि ये मेरे पूजनीय पिताजी हैं और मैं इनका पुत्र हूँ इसी प्रकार हमें व्यवहारिक दृष्टि से तो हमें जिस वर्ण आश्रम परिस्थिति में उसी की के अनुसार उत्साहपूर्वक सावधानी और प्रसन्नता से सबके साथ विनयपूर्वक यथा योग युक्त व्यवहार करना चाहिए और वास्तव में अपने अंतगण में सदा ये भाव रहना चाहिए कि हम सब भगवान के स्वरूप हैं तथा सब में भगवान है ऐसा अनुभव करके भगवान के प्रेम में मग्न रहना चाहिए जैसे नाटक का अभिनेता यह समझता है कि नाटक में स्वांग और करने वाले व्यक्तियों से मेरा ये संबंध सिर्फ भर के लिए वास्तविक नहीं है अतः वह किसी से भी अपना वास्तविक संबंध स्थापित नहीं करता है इसी प्रकार हम संसार के सभी संबंध माने हुए वास्तविक नहीं है ऐसा समझकर हमें इनसे वास्तविक संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए क्योंकि वास्तव में तो हम लोगों का नित्य संबंध एक भगवान से ही है श्री जय दयाल गोंदिका जी कहते हैं एवं जैसे नाटक का वह राजा वह समझकर कि मेरे साथ इस सिपाही का संबंध तो केवल नाटक के लिए है